Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अनुष्का and I am back with a new video again. So, कैरी मिनाती की मजेदार सी वीडियो फिर से आ चुकी है और यार मैंने अभी तक देखा नहीं है. So, इसको चलो देखते हैं एंड देखते हैं कि मेरा ये वीडियो पे रिएक्शन कैसा रहता है. So, लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड चलिए. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं चैनल और काफ़ी सारे वीडियोस के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं. इट्स 1 2 3 एंड स्टार्ट. तो कैसे हैं आप लोग? तो आजकल लोग महंगी गाड़ी किराए पे लेके रीले बना रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई करके एक दूसरे को लोकेशन पे बुला रहे हैं और फिर खुद ही कॉम्प्रो करके भाईचारा दिखा रहे हैं. अरे नाम क्या था तेरा यार? मैक्स ट्रॉन. अबे जिसका कॉम्प्रो करवा रहा उसका नाम तो जान ले. क्या नाम है इसका? अरे यार राजू, रजत, रायचू, रजत कलाल, दीपक कलाल, रजत, माइटी रजत. तो माइटी राजू कुछ दिन पहले मैकडोनल्ड्स गए थे भाई. फिर उस पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे. हम तो ये बनाएंगे. इसकी हरकतें और आवाज दोनों 12 साल के बच्चों वाली है. मैटी की माँ की चू. अबे ये सही में माइटी राजू है. पैसे देने? पैसे नहीं तो और क्या देगा? 8वीं क्लास में पढ़ता था मैं ऐसी बकचोदी. ये बुलाता है क्या लोकेशन पे? कहाँ? डिज्नीलैंड. गुंडा बनना था, छपरी बन गया, और छपरी होने के तो फायदे बहुत है. इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से झज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की. हाँ भाई मिस्टर राजू, निकल गई हवा बाजी. खुद के कलेश खत्म नहीं हो रहे, दूसरों के कॉम्प्रो करवा रहा है. शरीर बड़ा हो गया, दिमाग से बोना रह गया. खैर इस हवाबाजी के जमाने में लौंडो की एक ऐसी बिरादरी पैदा हो चुकी है जो अगर थोड़ी सी और लचीली होती तो अपने आंट चाट लेती. सिग्मा मेल, ये वो लौंडे हैं जिसे किसी लड़की ने चूमा नहीं, और जब इनसे पूछो तो एक बार बहाना सुन लो इनका. मैं कभी ऐसी लड़की को किस भी नहीं करूंगा जिसने अपने होंठों पे लिपस्टिक लगा रखी हो, क्योंकि लिपस्टिक में बहुत सारे गंदे केमिकल्स होते हैं. एक काम कर, घोड़ी चूम ले. गंदे केमिकल? जब दारू सुट्टा चल रहा होता है तो क्या शरीर में गुलाब जल जा रहा होता है? और मेकअप की क्या बात कर रहा है? खुद 50 फिल्टर मार रखे. अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं मेरे भाई. अब काले कौवे जब दिक्कत में फंसेगा और दोस्त के कॉन्टेक्ट नहीं होंगे तो एक दूसरे का मुंह में लोगे क्या? दोस्त के दोस्त नहीं होने चाहिए. अब बालक पहले मूछा जान दे पूरी. ज्ञान चौधरा सोशल मीडिया चाट के बैठे इन सिग्मा झाटों को लगता है इन्हें पूरी दुनिया देख ली. तो आओ यार अपनी मैच्योरिटी को थैले में बंद कर दो. जिन पे है उनकी बात कर रहा हूँ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक चूतिया है, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा. चिप्स का पैकेट नहीं है जो तू छीन लेगा. खुद लैंडी सा है नहीं, वो राह चलता चूतिया तुझे फोल्ड करके ना पतंग की तरह उड़ा देगा. जो वर्जिनिटी है ये शादी पे दिया जाने वाला तोहफा. अच्छा जन्मदिन पे नहीं. अब पिल्ले खंबे पे मूत्रा सीखा नहीं, ये शादी की बात कर रहा है. कहीं पब्लिक में जाके बोलते तेरी गांड और वर्जिनिटी दोनों तोड़ देंगे. मैं अगर किसी बंदी को जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बढ़िया पेलता हूँ, मैं उसे सीधा बोल सकता हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर, 50,000 रुपए चाहिए मुझे, तो मेरा स्पर्म निकलना मेरे काम आ रहा है. अब इमेजी का मैं रहता है क्या? क्या बातें हैं ये? बचपन में प्यार नहीं मिला क्या? और एक तो ये फिल्टर लगा रखा है, अलादीन का इमिग्रेंट बच्चा लग रहा है. चूतियापंती पता स्कूल की क्या है? उन बैंड के लोड़ो ने ये तो बता दिया कि ये सेक्स होता है, पर उन्होंने मास्टरबेशन ये टॉपिक कभी छेड़ी नहीं. स्कूल में टीचर्स मुठबाजी की बात करेंगे? अब पागल हो गया क्या? जो भी गुस्से नहीं हो पा रहा स्कूल पे डाल दो. कल को बोलेगा अजी मुझसे तो सेक्स ही नहीं हो रहा है, तो टीचर्स थोड़ी सिखाएंगे. साले विद्यालय है वो कोठा नहीं है. अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है. अब सिग्मा फेल जिंदगी पौनब नहीं है. इससे ब्रेकअप हुआ उसका ले लिया, उससे ब्रेकअप हुआ इसका ले लिया. ये लेने देने के अलावा और भी काम होते हैं लोगों पे, और जैसी इसकी बातें इससे ज्यादा लड़की तो दीपक कलाल पे होंगी. आजकल के लोंडो पे असला बाजू बुलेरो स्कॉर्पियो थार मिलेगा पैसा छोड़ के. तो थार बुलेरो कौन सा बर्थडे पार्टी के रिटर्न गिफ्ट में आ रही है? वो भी तो पैसों से आती है. और सोशल मीडिया का कौन से कोने से निकल के आते हैं छिपकली के बच्चे? पैदा हुए 15 मिनट नहीं हुए, एटीट्यूड ऐसा जैसे ब्रह्मांड सुलझा दिया हो बहनचोद. खैर अब चलते हैं दूसरे सिग्मा मेल पे. प्रस्तुत है नाबालिग अपरिचित. असली क्रिमिनल है वो लड़कियां जो इंटरनेट में ऑनलाइन अपनी गांड लानी, क्योंकि वो तुम्हें पूरी बॉडी से गाली दे रही है. तो तू उल्टी गांड ला देता है क्या? पहली बार देख रहा हूं किसी को नोरा फतेह ऑफेंसिव लग रही है. सबसे बड़ी गाली क्या है? सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? तुझे पैदा करना. अब भालू क्या बन गया? अच्छा ये बताओ वोट दोगे? नीट जेई की तैयारी करोगे? बाप के पैसे खर्च करना बंद करोगे? अगर हर चीज का जवाब यही है तो जिंदगी क्या हो जाएगी? हाँ बस 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 इतना दिमाग तो चलता ही है. मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, 21 घंटे काम करता हूँ, 1 घंटे मजे में डांस करता हूँ. अब प्रिंस ऑफ पलवल सबसे पहले ना क्या मेल नहीं मैल आए, और 21 घंटा काम, 3 घंटा आराम, 1 घंटा डांस. साले 25 घंटे कब से हो गए दिन में? इसलिए कह रहा हूँ पापी गुड़िया जाके सो जा. लोग हिटलर को बुरा मानते हैं, मैं हिटलर को बहुत अच्छा मानता हूँ. सिर्फ 1 करोड़ लोगों को मारा. चुप्पे चुप्पे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? मेरा नाम लेकर रीले बना रहा हूँ. जिसकी पक्की उसका घोड़ा, जो रीले बना वो बैठ कर लोड़ा. अगर पेरेंट्स पैशन को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं तो क्या किया जाए? वायलेंस.
पिटाई करो उनकी। यूं कुत्ती पकड़ लेगा बाप। इस छेनी के दाने को कॉन्डम के ऐड में होना चाहिए। कभी बचपन में मार नहीं लगी है ना इसके। तो मेरे एक दुश्मन की नुनू में चोट लगी। क्या आठ दोस्त है, आठों ने आगे मेरे ऊपर हमला कर दिया। आठों के आठों को मारा मैंने पटक पटक। ये मैक्सटन सा ये मार देगा आठ लौंडे। अच्छा दिखाइयो कैसे मारा। ओह शिट मेरा तो गांड फट गया। अरे चांदनी चौक तो चूती है, क्या गुलाटिया मार रहा है, ना टांग उठ रही है ना पहुंच रही है। आठ लौंडे पीट दिए, अभी तो और हवाबाजी देख लो इसकी। इट्स हर्टलेस नाम के लड़के ने मुझे चैलेंज किया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड को पटाऊं पांच दिनों में। एक दिन में पटा ली मैंने, देखो स्क्रीनशॉट। हाय हू आर यू, योर हैंडसम ड्रीम बॉय, सी माय फोटो। रियली आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड। ओह वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या किया तुमने? क्या? नजर लगा दी उसे, मर गई वो। अब मैं सिंगल हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। डोंट लाफ, अब पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। व्हाट पनिशमेंट? मिलकर बताऊंगा। इसकी तो अरेंज मैरिज होगी, ऐसा तो दुल्हन की बेटी भी ना पटे। और मुझे तो लगता है लड़की भी यही है, अपने साथ ही गेम खेल रहा है। इससे बढ़िया है विंजो पे गेम खेल लो। इतना पास नहीं आना है, थोड़ा दूर जा। विंजो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम लूडो, कैरम, चेस जैसे 100 से भी ज्यादा गेम्स हैं जिन्हें खेल के तुम कैश प्राइज जीत सकते हो और तुरंत अपने अकाउंट और यूपीआई में ट्रांसफर कर सकते हो। और ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, 17.5 करोड़ वेरीफाइड लोग यहाँ ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। विंजो इंडिया का सबसे सेफ और सिक्योर गेमिंग प्लेटफॉर्म है। कब तक इन सिग्मा मेल की तरह बैठ के हवाबाजी करते रहोगे? अगर बैठे ही रहना है तो खेल के पैसे ही कमा लो। तो फटाफट विंजो डाउनलोड करो और 550 रुपए का बोनस भी मिलेगा। खैर ये तो बच्चे थे, अब मिलते हैं इनके बाप से। इसलिए आपका स्वागत है सबसे पहले और आखिरी इंटरव्यू में। आओ मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सिग्मा टट्टे से। और भाई कैसे हो? अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या तरीका मिलने का? एक सिग्मा मेल ऐसे ही मिलता है। ये सिग्मा मेल क्या है ये? देखो तीन तरह के मेल्स होते हैं, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर सिग्मा। सिग्मा तो ऐसे स्टार्ट होता है। किसने बताया? स्कूल में टीचर्स ने बताया था। अगर टीचर्स को सब पता होता तो उनके पास लैम्बोर्गिनी नहीं होती। पर टीचर्स पे कैसे लैम्बोर्गिनी आएगी? एग्जैक्टली नहीं आ सकती, क्योंकि वो लड़कियां हैं और लड़कियों में खुद दिमाग नहीं होता, वो क्या पढ़ाएंगी? लड़कियों से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? अरे सर पे चढ़ा रखा। ये बताओ आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? आलू की परांठी। पराठा होता है। जो भी हो फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, सारी चीजें फीमेल क्यों हैं? पनीर की सब्जी, उसके साथ रोटी भी रुमाली, बैठ के उसे खा रहे ऑन थाली, यहां तक कि अब्यूसिव वर्ड्स को भी कहते हैं गाली। बहन के लड़, अरे होगा तुम्हारी बहन का पर मेरे भाई का भी तो है, पता है कितना लेफ्ट आउट फील करता है वो। अबे तू ठीक है, कुछ मार वार के आया क्या? आज जस्ट अभी एक लड़की से लड़ाई करके आ रहा हूं। मजाक कर रहा है? मजाक कर रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं सच्ची, मैं अपनी गाड़ी में एलविश भाई के गानों पे वाइब कर रहा था, अचानक से एक लड़की स्कूटी पे आती है और मेरी गाड़ी ठोक देती है। मैंने चिल्ला दिया, अबे साली भेंगी है क्या, फेंक रख के दिया उसने। आप बताओ किसकी गलती है? अबे चूतिए तो खुद महंगा है। थैंक्स, आपने सही कहा, मैं महंगा हूँ। महंगा नहीं भेंगा। नहीं नहीं मैं जेंगा में इंटरेस्ट नहीं रखता, पीटा मेल वाला गेम है। अबे तू उल्टा पैदा हुआ था क्या? मेरी सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन मत उठाओ, मैं तो स्ट्रेट हूँ, मेरे झाट के बाल भी घुंघरा ले नहीं है, यहाँ तक की मुठ भी मैं अपने खुद के हाथ से नहीं मारता। अरे भाई कहाँ से लाए उसे? मेरी बर्थ प्लेस पूछ रहे हो? वही बता दे। मेरे बाप के टट्टे। फालतू बात करने का बड़ा शौक है ना तुझे? एक सिग्मा मेल बातों का नहीं गाड़ियों का शौक रखता है, हाई वैल्यू मैन। अच्छा कौन सी गाड़ी तेरे पास? जी वैगन आर। क्या? जी वैगन आर। वैगन आर? बड़ी मस्तानी गांडो आप। अच्छा ये बता, ये जो तू सिग्मा बोल बोल के बच्चों में टॉक्सिसिटी भर रहा है, तेरे को गलत नहीं लगता? टॉक्सिसिटी? एक सिग्मा मेल बस यही बताता है कि लड़की को कैसे रखा जाता है, बिकॉज एक लड़का और लड़की कभी इक्वल नहीं हो सकते। लड़कों का काम है बच्चे डालना और लड़कियों का काम है बच्चे निकालना, इसमें क्या है, साइंस से मानता है। एक दिन बहुत गंदा पिटेगा तू अगर अभी तक नहीं पिटा तो। एक लड़की कितने भी थप्पड़ घूसे मार ले, एक सिग्मा मेल को कभी कुछ फील नहीं होता है। फिर से लड़की? एक काम करते टेस्ट कर लेते, बोला ना जरा। अरे तो वो स्कूटी वाली। हाँ भाई कुछ फील हुआ? नहीं। तो रो क्यों रहा है? एक सिग्मा मेल रोता नहीं बल्कि रुलाता है लड़की को। Are you getting me now? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बता, कभी सीरियस रिलेशनशिप में रहा है? हाँ, अभी भी। अच्छा उसको लाया इधर? सबको लाया। सबको? ये मेरी आंट गर्लफ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स हैं। अच्छा क्या बिजनेस है? मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ जाती है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है हमारे। यू सी एक सिग्मा मेल हमेशा बिजनेस खड़ा करता है, इसलिए मैंने खड़ा करने का बिजनेस खड़ा किया है। मेरे अब्बा जान कहते थे कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता। ये तो अम्मी जान का डायलॉग है। हाँ पर उन्हें कभी बोलने नहीं दिया। यू सी एक सिग्मा मेल कभी किसी लड़की की बात नहीं सुनता है। मैंने तो अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया है, जब मैं 2 घंटे का था तब से प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। क्या पागल आदमी। ए ए क्या कर रहा है?
दिखता नहीं है, सिगार जला रहा हूँ। अबे चूतिया बीड़ी है। एक सिग्मा मेल जिस बीड़ी को चलाता है वो अपने आप सिगार बन जाती है। कोई सेंस नहीं है इस बात की। सेंस तो लड़कियों में भी नहीं है। अरे तू बार बार लड़की पे कैसे चढ़ जाता है? जरूरी नहीं है, कभी कभी वो मुझ पे भी चढ़ जाती है। यू सी, एक सिग्मा मेल हमेशा ऐसी। अरे ये तो फीमेल दया है। अरे बहन छो, माफ कर दो दीदी। बस होली, ये जितने भी सिग्मा बने घूम रहे हैं ना, सुनो, असली जिंदगी में अल्फा बीटा गामा लौड़ा लसन सब बनना पड़ता है। बस वक्त वक्त की बात है, इन सोशल मीडिया के गुंडों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और जो लोग नए तो सब्सक्राइब करो ना यार, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या कॉम्प्रो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और भैया विंडो डाउनलोड करो ताकि तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाओ। 550 रुपए का बोनस भी मिल रहा है, और क्या लड़की दिलवा दूं? फटाफट जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब चलो मैं भी जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ वड़ा पाव का ठेला खोल लूँ और सड़क पे बैठ के ड्रामा कर लूँ। व्यूज तो आ ही जाएंगे। बाय मोहित। अरे ये सिग्मा टट्टे को क्या हो गया? 'Guys, मेरे को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और मतलब अच्छी रोस्टिंग वीडियो थी। एंड प्लीज़ आपको कैसी लगी एंड आपको जो अच्छा लगेगा कमेंट करना इस वीडियो पे, पक्का कमेंट करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।